नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ। आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल मेडिसिन न्यूज़ में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एल्फिड टैबलेट के बारे में। जेनोस्टिक फार्मास्यूटिकल कंपनी का ये बहुत ही शानदार बेहतरीन प्रोडक्ट है। आज हम इसी मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे लोगों ने एल्फिड टैबलेट का नाम पहले भी सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने इसका पहले भी इस्तेमाल किया होगा और बहुत सारे लोग इस्तेमाल करने वाले होंगे, तो उन्हीं के लिए आज हमने वीडियो बनाई है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के शरीर में एसिडिटी का होना, गैस तेजाब का बनना, ये एक बहुत ही आम समस्या है। तो अगर आप लोग भी इस समस्या से पीड़ित रहते हैं तो हमारी इस वीडियो को अंत तक यानी कि लास्ट तक ज़रूर देखें, ताकि आप लोग इस टैबलेट के बारे में, इस मेडिसिन के बारे में अधिक से अधिक जानकारी ले सकें, जान सकें और इसका अधिक से अधिक फ़ायदा उठा सकें। बात करेंगे एल्फिड टैबलेट के बारे में। तो ये टैबलेट आपको किसी भी केमिस्ट शॉप पर, किसी भी रिटेल शॉप पर आसानी से मिल जाएगी। कहीं से भी आप इसे परचेज़ कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। ये मेडिसिन ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ऑनलाइन भी आप इसे परचेज़ कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं। अब दोस्तों, बात करेंगे एल्फिड टैबलेट के होने वाले बेनिफिट के बारे में, इसके होने वाले फ़ायदों के बारे में। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों को एसिडिटी की समस्या, खट्टी डकारों की समस्या, खाया पिया ना पचना, अपच की समस्या या फिर खट्टे डकारे आना, भूख ना लगना, ये सारी समस्याएं सामने आती हैं। इन सारी समस्याओं में आप लोग इस टैबलेट का, इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी गैस तेजाब की समस्या को हमेशा के लिए ख़त्म करेगी, साथ में आपको बहुत ही अधिक आराम पहुंचाएगी। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे गैस तेजाब की समस्या बनती क्यों है। तो दोस्तों, गलत खानपान की वजह से, कॉन्स्टिपेशन की वजह से या फिर लीवर में सोजिश आने की वजह से, लीवर ख़राब होने की वजह से, ये सारी समस्याएं होने पर आपको गैस तेजाब की समस्या होती है। खट्टी डकारें आना, अपच की समस्या भी इन्हीं सभी कारणों की वजह से आपको रहती है। कॉन्स्टिपेशन इसका एक बहुत ही प्रमुख कारण है। बहुत सारे लोगों को कब्ज की समस्या रहती है, जिसकी वजह से उनको गैस तेजाब बनना स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है तो आप लोग इस मेडिसिन के साथ अलग से कब्ज की दवाई यूज़ कर सकते हैं, कब्ज के लिए आप मेडिसिन ले सकते हैं। दोस्तों, बात करेंगे इसके अंदर डले हुए कंपोनेंट के बारे में। तो दोस्तों, इसमें लीवोसल्फ्राइड डला हुआ है 25 mg में, जो कि एक बहुत ही शानदार कंपोनेंट है, बेहतरीन कंपोनेंट है। कितनी भी गैस तेजाब हो, ये उसे ख़त्म करता है और आपको रिलीफ दिलाता है। बात करेंगे दोस्तों इसके प्राइस के बारे में। तो 69 rupees and 90 paisa यानी कि 69 rupees and 90 paise में आपको ये कहीं से भी 10 tablets मिल जाएंगी। कहीं से भी आप इस टैबलेट को परचेज़ कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। एक्सपायरी की बात करेंगे तो दोस्तों, 2 साल की इसमें आपको एक्सपायरी मिल जाएगी। हमेशा एक्सपायरी देखने के बाद ही मेडिसिन का इस्तेमाल करें, मेडिसिन का यूज़ करें। अगर आप एक्सपायर हुई मेडिसिन का यूज़ करते हैं तो वो मेडिसिन आपको फ़ायदे की जगह नुकसान भी पहुंचा सकती है। बात करेंगे इसकी कंपनी के बारे में। तो जेनोस्टिक फार्मास्यूटिकल कंपनी का बहुत ही शानदार बेहतरीन प्रोडक्ट है। अब दोस्तों, बात करेंगे इसका यूज़ करने का क्या तरीका है, किस तरीके से आपको इसका इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, इसका यूज़ करने का तरीका, आप एक टैबलेट सुबह खाली पेट यानी कि खाना खाने से पहले इसका सेवन करें। सारा दिन आपका बहुत ही अच्छा जाएगा, कुछ भी आप खाएं, कैसा भी खाएं, आपको गैस तेजाब की समस्या नहीं होगी। अब दोस्तों, बात करेंगे इसके साथ क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी हैं, किन किन चीज़ों का सेवन आपको नहीं करना है और आपको क्या क्या इस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस टैबलेट का ज़्यादा लंबे समय तक यूज़ करते हैं या फिर जितना बताया है उससे अधिक मात्रा में सेवन करते हैं, तो आपके लीवर पर सोजिश आना या फिर किडनी डैमेज होना, ये सारी समस्याएं आपको देखने को आ सकती हैं। लेकिन दोस्तों, इसका बहुत ज़्यादा मात्रा में सेवन करते हैं तभी आपको ये समस्याएं आएंगी। अब बात करेंगे दोस्तों सावधानियों के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपको गैस तेजाब की समस्या रहती है तो आपको तली चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है, साथ में ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें भी आपको नहीं लेनी है। अगर परहेज करते हैं और सही तरीके से इस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी गैस तेजाब की समस्या हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे शेयर करें। अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।